Hey everyone, assalamu alaikum and welcome back to Momming On with Mahi. We are back after a long break and this time with a new look. This is the shortest that I've gone. It's been a while since I've posted a video. मैं बस कुछ टाइम से शॉर्ट्स ही पोस्ट कर रही थी एंड या द पास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन काइंड ऑफ टफ फॉर अस. कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से आई वॉज प्रॉब्ली नॉट इन दैट क्रिएटिव स्पेस और यू नो यू कैन से आई वॉज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ मैं वीडियोज बना सकूँ. सो I try to keep in touch shots वगैरह बना के. Now I think I'm prepared to get back to doing this, making videos, which I really enjoy. So yeah, I thought before I start posting my regular videos, I should update you guys or at least share with you guys the reason behind the break. और इसके साथ I wanted to share with you guys के UAE की life के struggles, जो Gulf की life के struggles हैं, वो क्या है actually. मतलब हर जगह आप देखेंगे यहाँ की लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है एंड सब कुछ बहुत मज़े का है, सब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, पैसे कमा रहे हैं, बट साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं यहाँ की लाइफ के. सो यहाँ के जो नॉट सो ब्राइट साइड है यूएई के लाइफ की या दुबई की लाइफ की या गल्फ की लाइफ की, सो आई थॉट ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. एंड इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू मूव टू UAE, दुबई और एनी अदर गल्फ कंट्री या फिर आप मूव करने वाले हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें बिकॉज आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेट मी टेल यू वी आर अ मुस्लिम फैमिली फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव बीन लिविंग इन UAE फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ. 8-9 साल ऑलमोस्ट वी वर वर्किंग इन दुबई एंड वी हैव रिसेंटली मूव टू फुजेरा बिकॉज मेरे हस्बैंड को फुजेरा में नया जॉब मिल गया था. सो या आई थिंक 2021 के एंड में वी रिलोकेटेड टू फुजेरा बिकॉज ऑफ द न्यू जॉब. फुजेरा इज़ लाइक अनदर एमिरेट इन UAE. जैसे दुबई है, अबू धाबी है, वैसे देर इज़ फुजेरा ऑल्सो. सो वी मूव टू फुजेरा. सो यहाँ आने के बाद हम लोगों को थोड़ा टाइम किया एडजस्ट होने के लिए बिकॉज ये जगह दुबई से बहुत डिफरेंट है और नई जॉब तो नया रूटीन सब कुछ डिफरेंट होता है. तो ऑलमोस्ट एक साल भर के आसपास वी वर जस्ट इन्जॉइंग द लाइफ यार. नए रूटीन को एडजस्ट हो गए थे, नई लाइफ स्टाइल को एडजस्ट हो गए थे, नई जगह को एडजस्ट हो गए थे. वी मेड गुड फ्रेंड्स एंड ऑल. और जैसे ही सब सेटल हो रहा था अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई कि माय हस्बैंड हैड टू लीव हिज जॉब. नाउ आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड एंड अग्री विथ मी कि ये सारे टॉपिक्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. सो आई विल नॉट गेट इन टू टू मैनी डिटेल्स राइट नाउ. बट या माई हस्बैंड हु वॉज at that time the only earning member in the family, he was jobless for months. So of course ye har family ke liye bahut difficult hota hai whether wo apne home country mein ho ya fir kisi expat country mein. It doesn't matter agar job nahi hai, earnings nahi hai, income nahi hai to fir of course har kisi ke liye ye difficult ho jata hai. Gulf country mein rehne se, UAE jaisi country mein rehne se, it's even more difficult because yahan par हर कोई चीज़ आपके एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड होती है. वेदर इट्स योर वीज़ा, योर इंश्योरेंस, एवरीथिंग, हर कुछ आपके एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है. तो जैसे ही आपका जॉब चला जाता है ऑफ कोर्स आपका नोटिस पीरियड वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स जो है आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे. और जैसे ही आपका वीज़ा कैंसिल होता है आपको पहले 30 days मिलते थे टू एग्जिट द कंट्री, बट नाउ UAE रूल्स हैव चेंज्ड एंड यहाँ पर थैंकफुली दे हैव इंक्रीज द ग्रेस पीरियड अप टू 6 months. तो 6 months के अंदर आपको जो भी टाइम मिलता रहेगा, मे बी 6 months, मे बी 5 months, डिपेंड्स आपको कितना मिल रहा है, तो वो जो ग्रेस पीरियड आपको मिलता है दैट इज़ ऑल्सो द टाइम वेयर यू कैन स्टे विद इन द कंट्री एंड लुक फॉर अ न्यू जॉब. वो पीरियड खत्म होने के बाद, वो ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद अगर तब भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू एग्जिट द कंट्री और यू हैव टू चेंज योर स्टेटस टू अ विजिट वीज़ा और अ टूरिस्ट वीज़ा. तो वो पीरियड के अंदर यू हैव टू लुक फॉर अ जॉब and also manage all the bills. अब UAE में या कोई और गल्फ कंट्री में majority of the expats are living in a rented apartment. तो apartment का जो rent check होता है regularly, वो उसका payment plus आपके जो electricity, water bills है, यहाँ पर पानी के लिए भी bill charge करते हैं, तो आपके electricity bills, आपके water bills
और आपके इंटरनेट बिल्स और जो भी रेगुलर खर्चे रहते हैं आपके, ग्रोसरीज हो गया या फिर डे टू डे एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज्ड वाइल यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. तो वो एक दूसरा ही स्ट्रगल हो जाता है. एंड स्पेशली इफ़ यू आर विद अ फैमिली, अगर आपके बच्चे हैं और अगर बच्चे स्कूल वगैरह भी जा रहे हैं तो वो तो स्कूल की फ़ीस देना, वो सब चीज़ें, तो वो और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. तो वी डिड स्ट्रगल फॉर अ वाइल, जहाँ पर हम लोग जॉब भी ढूंढ रहे थे, वी वर मैनेजिंग ऑल द पेमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो या वो पीरियड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. एंड वो जो एंग्जाइटी है कि आपको जॉब मिलता है या नहीं, अच्छा जॉब मिलता है या नहीं, और नहीं मिलेगा तो व्हाट नेक्स्ट, आपको सब पैकअप करके यू हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू योर कंट्री. आप यहाँ विजिट वीज़ा वगैरह पे रहकर जॉब ढूंढ सकते हैं, बट अगेन देर इज़ नो गारंटी कि कब मिलेगा जॉब और कैसा मिलेगा, तो कब तक आप सर्वाइव करेंगे. तो ये सारी डिफ़िकल्टीज थी हमारे सामने. एंड वी चोज टू स्टे बैक एंड वी चोज टू अग्रेसिवली लुक फॉर जॉब्स, मी एंड माई हस्बैंड बोथ. हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लॉट ऑफ फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल ये टाइम में. बट और यहाँ पर वेन यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड यू डोंट हैव अ जॉब इन हैंड एट दैट टाइम, तो कंपनी ऑफकोर्स उसका एडवांटेज लेती है एंड यू डोंट गेट द काइंड ऑफ ऑफर्स दैट यू एक्चुअली डिजर्व. तो आइदर दे विल ऑफर यू लोअर सैलरी और वो पोजिशन जो आपको मिलना चाहिए इतने एक्सपीरियंस के बाद वो आपको शायद नहीं मिलेगी. दे माइट ऑफर यू अ लोअर पोजिशन. और तो यहाँ पर स्पेशली मैंने देखा है कि अगर कोई जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मे बी यू आर परफेक्ट फॉर द जॉब, मे बी यू हैव द राइट क्वालिफिकेशन, द राइट स्किल सेट, द राइट एक्सपीरियंस, बट वो एप्लीकेशन, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दिया, बट वो एप्लीकेशन वहाँ से, उस एप्लीकेशन आपके साथ में बहुत सारे और लोग, हज़ारों लोगों के एप्लीकेशन आते हैं. तो जो रिक्रूटिंग मैनेजर है वो इतने हज़ारों एप्लीकेशन में से आपका एप्लीकेशन पहले तो देखे, देख कर उसको चूज़ करे, चूज़ करके आगे उसको पुश करे, तो ये होना, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. बट अगर आपके पास कोई सोर्स है वहाँ पर काम करने वाला, अगर आप उनके थ्रू ये चीज़ पुश कराएं, तो ऑफकोर्स जल्दी नोटिस में आएगा आपका एप्लीकेशन जल्दी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और एक अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी मिलना ही बहुत बड़ी बात है. तो यहाँ पर यस, वी स्ट्रगल्ड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वास्ता थिंग. तो काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को टू सिक्योर अनदर जॉब. जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने अगर आपके नसीब में कुछ लिखा है, कुछ रोज़ी लिखी है, कुछ रिस्क लिखा है अगर, तो वो उससे ज़्यादा आपको कोई देगा नहीं, उससे कम आपको कोई देगा नहीं. और वो जब आना है वो तभी आएगा आपके पास, उससे पहले या उससे बाद, मतलब कोई जल्दी नहीं कर सकता, कोई लेट नहीं कर सकता उसको. वो जिस मौके पर आना है उसी मौके पर आएगा आपके हाथ में. तो बस हमारे लाइफ में वो टाइम का उतना टेस्टिंग पीरियड लिखा हुआ था. एंड मेरे हस्बैंड को अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी राइट हियर इन फुजैरा. तो हम लोग को अगेन रिलोकेशन का भी प्रॉब्लम नहीं आया एंड स्लोली थिंग्स आर इम्प्रूविंग फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह. लाइफ में स्ट्रगल्स तो आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं. कोई अच्छा फेज होता है, कोई बुरा फेज होता है, बट कोई भी फेज आपके लाइफ में हमेशा के लिए लास्ट नहीं करेगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो. तो हमारी लाइफ का ये डिफ़िकल्ट वाला फेज एक था. पहले भी हम लोगों ने बहुत फेस किए हैं ऐसी डिफ़िकल्टीज़, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. बट या ये अभी चला गया, ये वाला फेज तो एंड हो गया सो फार अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इट हैज़ ओनली गॉट अस स्ट्रॉन्गर एज अ फैमिली एंड इट हैज़ ओनली गॉट अस क्लोजर टू आवर गॉड अल्लाह. एंड सो यस, आई शुड से कि ये जो भी था डिफ़िकल्ट टाइम, इसमें से काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी हुआ है हमारे लिए. तो या वी आर मच मोर स्ट्रॉन्गर नाउ एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग अनदर फ्यू ईयर्स इन UAE, इंशाल्लाह. दुबई की जॉब में भी वी डिड फेस फ्यू डिफ़िकल्टीज. तो बट अगर मैं वो टॉपिक लेके बैठो तो एक अलग ही स्टोरी हो जाएगी. लेट्स कीप दैट फॉर सम अदर डे. तो ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ एज एन एक्सपैट. अगर आप किसी गल्फ कंट्री में रह रहे हैं तो ये स्ट्रगल, मतलब देर इज़ नो सिक्योरिटी. ये तो मतलब यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर सच थिंग्स. आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह कि किसी के साथ में ऐसे कुछ हो नहीं. बट या
in any case you have to be prepared if you are living in a Gulf country. So yeah, basically यही reason था मेरा for the break, because थोड़ा tough time था and during that time जो anxiety रहती है, जो stress रहता है, उसके बीच में you don't feel like recording videos and posting them. अगर आप करोगे तो भी you won't be able to do anything दिल से जो आता है ना, वो वैसे नहीं हो पाता है. तो फिर या वो टाइम पे हमारा बस फोकस था जॉब ढूंढने के लिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया. नाउ स्लोली स्लोली वी आर ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक. वी हैव लॉस्ट अ फ्यू थिंग्स उतने टाइम में, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इंशाल्लाह वी विल रिकवर. वी नीड ऑल योर प्रेयर्स. तो एज वी से, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. एंड आई एम स्लोली गेटिंग बैक टू अपलोडिंग मोर वीडियोज़. इंशाल्लाह मैं रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश करूँगी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, एंड इंशाल्लाह 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 आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू. और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि यू आर स्टिल विथ मी. एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सो प्लीज़ कंटिन्यू टू शावर योर लव. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई सी यू गाइज सून. See you guys later. Bye bye. Bye bye. Like and share and subscribe. Go here. Okay, are you guys done?